Sen aram okunca. जी मेरा नाम तौसीफ है। कहाँ से आप? मैं यही से बारामूला से। तो कितने मुश्किलात हुए आज जो ये बर्फबारी हुई है? जी सर, हमारे घर में गाड़ी है, ये लोकल टीम में गाड़ी है जी। गेट से बाहर हम गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं, मार्केट नहीं जा सकते हैं, कोई भी सब्जी हम मार्केट से नहीं ला सकते हैं। जो नेशनल हाईवे है वो भी अभी तक बंद पड़ा हुआ है, तो क्या वजह है? सर ये नाकामी है गवर्नमेंट की, इसमें पूरी नाकामी है। हाँ। सर आप देखो, ये नेशनल रोड है। हाँ। इस पे देखो कोई गाड़ी नहीं चल रही है। हाँ। घर से कोई गाड़ी नहीं निकाल सकते हैं आप। ये मैं ही लोकल टी का हूँ सर, कोई मार्केट भी नहीं जा सकता है, पूरा दुकान भी बंद है, गाड़ी नहीं चल रही है। तो अगर खुदा ना खास कोई बीमार होगा वो कैसे हॉस्पिटल जाएगा, कैसे क्लिनिक पे जाएगा, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? सर आप खुद देखो, इतना बर्फ पड़ रही है, हमको ऐसे ही जाना पड़ता है। हम हमारा गाड़ी घर में ही है सर, अब ऐसा ही जाना पड़ता है। तो बिजली सामना करना कर रही है इस वक्त, हम बर्फबारी बहुत तेज हो रही है इस वक्त। हाँ। सारे रोड बंद है, रोड सारे बंद है इस वक्त, और गवर्नमेंट की बहुत सारी कमजोरी है क्योंकि रोड पे जैसे ही कोई मशीन ही नहीं है इस वक्त। यहाँ पर आप खुद देख रहे हो सर कितनी बर्फ जमा हुई है, कोई गाड़ी नहीं चल रही है, कोई अगर एम्बुलेंस होगी कोई, वो एम्बुलेंस कहाँ से जाएगी इस वक्त? तो सीधे
कंधे पे लेके जाना है हॉस्पिटल तक, जब तक मर जाएगा कोई तब तक कंधे पे लेके जाना है।